नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप लोग अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य के साथ ना मिलना, धन ना आने की वजह से परेशान चल रहे थे, अगर आपके पीछे बुरी आत्मा लगी हुई थी, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा था, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज है, वो है नींबू। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो टोटके आज आपको हम बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं, आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्ति आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके आपको हम बताने आ रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने आ रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हमारे चैनल का एक मकसद है, जनहित और जन कल्याण। अगर हमारे चैनल से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। इसलिए पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले, आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए। अच्छा, आप लोग ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियाँ जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्चा टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज आपको हम बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपने जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नज़र लगा देता है, आपके बिजनेस पर नज़र लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नज़र से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता चलाता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नज़र लगा दी। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्चा रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण हिंदू पुराणों में बताया गया है वो यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्चे का तीखा जो होता है वो बुरी नज़र वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नज़र लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा था तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्चे को टांग करके रखिएगा। दूसरा, इसका जो प्रयोग होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरा नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर पे लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेके आते हैं उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए, वहाँ पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती हैं। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है, नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के आपसी लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आपसी लोगों में हमेशा
बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी ज़मीन पर लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र की विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए घर की लड़ाई करकश को देख देख कर, तब आपको जो हम बताने आ रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, लेकिन नींबू का पेड़ रातों रात तो उगता नहीं है। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोने पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाईं दिशा से 7 चक्कर मारना है, और ये शनिवार के दिन करना है। और ये नींबू ले जा करके किसी भी नदी और तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आपने नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नज़र थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन्हीं नींबू के साथ वो चले जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। तीसरा प्रयोग जो है वो सफलता के लिए माना गया है नींबू का। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज़ करके हम बहुत आराम से समझाने आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको मेहनत परिणाम आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आप इंटरव्यू तो देने आते हैं लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए जब आपको जाएं। आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, एक नींबू ले लें और 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग को गाड़ लें और वहाँ पर बैठ जाएं, पलथी मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को जिसमें आपने 4 लौंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। 9 ग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो भाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे थे प्रमोशन मिल सकता है, और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना यानी अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बिना भगाए मत देखिएगा। देखिए हमारा काम है आप लोगों तक वो जानकारी लेके आना जो आप लोग अगर लाखों रुपए भी खर्च करते हैं तब भी आपको जानने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर सब्सक्राइबर को अपने परिवार की तरह समझें और उन तक वो बातें पहुँचाएँ जो वो हिंदू पुराणों में ढूंढ नहीं पाते। तो आपसे इतना निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब चौथा आते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही हैं मान लीजिए और आपको नज़र लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत उपयोग माना गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको क्योंकि नज़र लगा दी किसी ने जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब रहती है, एक नींबू लीजिए, सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए, सिर्फ एक नींबू लेना है, और ऐसा चक्कू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ हो। उस चक्कू से उस नींबू को 2 भाग में काट लीजिए और इसको ले आकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर ज़मीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए जो भी आपके ऊपर नज़र लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नज़र उतर जाएगी। 5वां, वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग ये पाते हैं कि नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको करना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए कई लोग व्यापार जो करते हैं उनके व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नज़र लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है, एक नींबू को लीजिए, एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में उसको एक चक्कू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में, अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं और शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जा करके किसी भी नदी में बहा देना है। अब मान लीजिए इससे ये होगा कि ऐसा हुआ था कि
आपकी दुकान पर किसी ने नज़र लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपका दुकान चल नहीं रही है, और अगर आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नज़र लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नज़र हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम लोग जो आपको बताने आ रहे हैं वो है छठा नंबर, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं भाग्य के साथ ना मिलने की वजह से। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत कर करके, और आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों किसी ना किसी ने आपके ऊपर टुटका करवा रखा है, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, और इस तरीके की बातें हो रही है कि आप लोग बहुत परेशान हो गए, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एक बहुत आसान आपको हम जो तरीका बताने रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सुनिए, देखिए ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका संरक्षण नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर निगेटिव एनर्जियों का वास होता चला आ रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र है ओम श्री हनुमताय नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने आ रहे हैं तो पेपर में तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख के ले जाइएगा। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू को ले जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन होना तय है, ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपये का खर्चा है, लेकिन यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमताय नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमज़ोर था वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा, लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज़्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है, और ये क्रिया अगर आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कॉम्पिटिशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय माना गया है। 7वां, रोग से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जा जा के पक गया है, और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो आपको हम अब टुटका बताने आ रहे हैं वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है, मतलब सर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चक्कू लेना है, उस चक्कू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हो तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 बार चक्कू उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको उस चक्कू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहाँ पर 4 रास्ते हों, दाहिने बाहिने आगे पीछे, और वहाँ पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना, और रात के वक्त ही करना, मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले आके फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियाँ उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों ये सारी बातें आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसीलिए जो पुराने समय के साधु संत महात्मा लोग होते थे वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहाँ पर नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से हम उस तंत्र मंत्र को हटा लें। अब 8वां बताने आ रहे हैं आपको, संतान प्राप्ति हेतु। दोस्तों ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, लेकिन तब भी जान लीजिए। मान लीजिए आपका संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला हैं जो बाज हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनकी संतान नहीं हो, संतान के लिए थक चुकी हैं, एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज़ पत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा दिन होता है बहुत शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन नींबू का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ के लाती हैं और देसी गाय के दूध में मिला करके पी लेती हैं, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 9वां है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश रुपए की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं,
आप सट्टाबाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपये ज़रूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपये आ जाएगा, ये बिजनेस में एकदम से रुपये आ जाए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है शाम के वक्त, शाम को अपने ऊपर 7 बार घुमाना है लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमाना है अपने, उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पे गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले आ रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सिर्फ कर देते हैं और आपकी किस्मत हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपये मिल जाएगा, आपका सट्टा बाजारी में रुपये दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं उसी में से कहीं रुपये, कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी वो इतने बड़े दाम पे बिक जाएगी जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार नींबू घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको आकस्मिक रुपये की प्राप्ति होना तय है। अब 10वां, मृत्यु को चकमा देना। दोस्तों अगर आप लोग सफ़र पर जा रहे हैं, जैसा आप लोग भी जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिए और जब आप बाइक कार चलाने आ रहे हैं आगे रख दीजिए, अपनी गाड़ी को उसी के ऊपर से गुजारते हुए निकल जाइए। ऐसा गुजारिएगा कि नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसा कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो टल जाएगी। दोस्तों ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये सारी बातें छानबीन के हम लोग आपके लिए लेके इसीलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि आप वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलेंगे। देव ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।